टिफिन से तो हम लोग को बहुत फायदा होता है कि हम लोग ऐसा उम्र का है इसे किधर भी बाहर जा नहीं सकता है, कुछ खरीदी नहीं कर खा सकता है, इसे टिफिन पर ही हमारा भरोसा है। टिफिन आएगा तो हम लोग खाएगा, नहीं तो हम लोग नहीं खा सकते। जगह का प्रॉब्लम हो सकता है, जनरेशन गैप हो सकता है, लेकिन एक बेटा अपने माँ बाप को आधी रोटी ना दे, वो बात 11 साल पहले भी समझ में नहीं आ रही थी मुझे, मुझे आज भी समझ में नहीं आ रही है कि एक बेटा उठ के अपने माँ बाप को आधी रोटी ना दे। 11 साल पहले एक आया बुजुर्ग मेरे पास, जो हर बार आता था मेरे पास ट्रीटमेंट करने के लिए, और मुझे मालूम था कि ये पुअर है, आए बैठे और रोने लगे। तो उसने मुझे जो बात बताई सर कि मेरे 3-3 बेटे हैं और ना हमको पैसा देता है और ना खाना भेजता है, और तेरी आंटी को पैरालाइज हो गया है, ना उठ सकती है ना चल सकती है, तो पूरे दिन मुझे उसका भी काम करना है और मेरी खुद की उम्र 84 ईयर्स है। और उनकी आंखों में जो आंसू बहते थे वो देख के सर मैं हिल गया पूरा कि अब उनके लिए मुझे कुछ करना है। तो मैंने अंकल को बताया कल मेरे घर से आपको टिफिन आएगा। तो मैंने पैम्पलेट लगाई है, कोई सीनियर सिटीजन कोई भी मुसीबत में है, कोई भी प्रॉब्लम में है तो आप हमको जानकारी दीजिए। तो हार्डली मुझे ऐसा लगता था कि 3-4-5 लोग निकलेंगे तो मेरे घर से जो खाना बनता है वहां से हम भेजेंगे, लेकिन जब नाम आने लगे 20, 25, 50, 100 तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। फिर मैंने एक ट्रस्ट की रचना की, और उन लोगों की पोजीशन ऐसी है कि वो अपने हाथ से तो खाना बना नहीं सकते हैं, ना उसकी आर्थिक पोजीशन ऐसी है कि वो बाहर से ला के खा सकते हैं। तो उन लोगों का एक ही आसरा है टिफिन, छोटी सी खोली में और ऐसी गंदी जगहों में वगैरह में रहते हैं, तो उन लोगों से साफ सफाई होती नहीं है, उन लोगों को इन्फेक्शन लगने का भी डर बहुत ज्यादा रहता है। इन लोगों के पास में जब जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ उसको साफ सुथरी जिंदगी में दे सकूं, एक ऐसा अच्छा सा आवास इन लोगों के लिए मैं बनाऊं कि जहां हर सुविधा मिले उसको, मेडिकली ट्रीटमेंट भी जो भी चाहिए उसको मिले। ये चीजें अब मेरे से 4 साल से मैं जूझ रहा हूँ, लेकिन मेरे से बहुत दूर है। ओल्ड एज होम तो नहीं बोलूंगा मैं, अपने बेटे का घर ही बोलूंगा कि जो भी उसके 8-10-12 साल बचे हैं वो लोग हंसी खुशी साथ साथ में बितावे, मैं वो चाहता हूँ। उनको साथ में रख के मुझे सेवा करनी है, बस एक मंदिर बनाना है, माँ बाप का मंदिर, कहीं नहीं देखा होगा मुझे माँ बाप का मंदिर। नवी मुंबई उल्वे न्यूज सपोर्ट डॉक्टर उदय मिलाप फाउंडेशन एंड माँ बाप का मंदिर। जी हाँ, माँ बाप का मंदिर, आइए हम अपने अपने हिसाब से सपोर्ट करें।